आप सबके जोरदार तालियों के साथ प्लीज हेल्प मी टू वेलकम ऑन स्टेज अपने गाड़ी से आ रहे मिस्टर प्रसन्नजीत मंडल सर एवं उनके फेलिसिटेट करना चाहता हूं। मैं फिर से एक बार मंच में बुलाऊंगा अवर ग्रेट सीईओ सर सलील मैथ्यू जी, निखिल जी, सुनील सर एंड ऑल ऑफ पांडे। नमस्कार इंडिया रोड इंडिया का नंबर वन कंपनी है उसके लिए एक बार दम दिखाइए। नमस्कार ठंडा मत होना माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार पहले तो मैं उस खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज सुबह से हम जितने लोग बैठे हुए हैं ना किसी का तबीयत बिगड़ा और ना किसी का तबीयत खराब हुआ। यहाँ पे हम लोग सुधरने के लिए आए हैं। क्या सुधरने के लिए? हमारा लाइफस्टाइल जो है वो थ्रू द माई लाइफस्टाइल सुधारने के लिए। यस और नो? आवाज देते रहिए क्योंकि आपका आवाज ये सिग्नल देगा कि आप करोड़पति बनोगे या रोडपति बनोगे। इसीलिए आवाज में दम होना चाहिए। आज अगर आवाज नहीं दोगे तो आप जब प्लान शो करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आज का आवाज ही आपका कॉन्फिडेंस है। ठंडा मत हो जाना क्योंकि ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरी फिल्म जोर से बोलिए बाकी है। इसीलिए हमेशा याद करके रखना कि आप सब लोगों को यहाँ पे डायमंड बन के आना है, मेरी तरह यूटीसी नहीं डायमंड, हमारे राजेश सर जैसा क्राउन डायमंड बन के आना है। तो उसका ताकत दिखाइए और जोर से एक बार मैनेजमेंट के लिए ताली बजा दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। पावर शो कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। एक बार जोर से खड़े होकर एक बार खड़े हो जाइए और मैनेजमेंट हमारे कैलाश सर के लिए, हमारे आलोक सर के लिए, हमारे सलील सर के लिए, हमारे हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो प्रवीण सर बोलता था कि आपका चेक अभी मैं देने वाला हूँ, अगले दिन आगे जाके मेरा बेटा आप लोगों का बेटा चेक देगा और
उन्होंने बोल के गया मैं यहाँ पे लाइबिलिटीज लेता हूं, आपका बच्चा जो आने वाला है उसका चेक भी उनका लड़का ही देगा। तो इससे ज्यादा हम लोगों का खुशी का दिन और क्या हो सकता है? ये सुन लो। अरे अभी ये चीज कैसा? यस यस यस। हाँ, हमेशा ऐसा आवाज में दम होना चाहिए। जिसकी आवाज में दम नहीं उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक चिल्लाओगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। वो रोटी बोलो और प्लान शो के सामने जो बैठा है उससे बोलो। दोस्तों, ये जो मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट नहीं है, ये मेरे लिए बड़े भाई के जैसे है। जब मैं कुछ नहीं था तब भी साथ था, साथ निभाया इन्होंने, और आज जो कुछ भी हूँ इस मैनेजमेंट के बदौलत ही हूँ। शायद आपको पता नहीं है कि आप में भी वाल्मीकि होंगे, आप भी एक दिन वाल्मीकि बनोगे और रामायण लिख के यहाँ पे आके खड़े हो जाओगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग इतिहास लिखने के लिए आए हो, इतिहास बनाने के लिए आए हो। ये इतिहास बनाने की जगह है। आज मैं यूटीसी हूँ। आप जानते हो एक बात, ये बिजनेस शायद लगता है कि आपको एक 5,000 का धंधा है, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बाजार में हजारों मिल जाते हैं, हजार मिल जाते हैं, हजार। लेकिन ये सपना बनाने के लिए है। प्रोडक्ट तो हमारे लिए सिर्फ एक वेपन है जिसके जरिए हम लोग जाते हैं लोगों के पास। लेकिन हम लोग अपना सपना पूरा करने के लिए, 10 आदमी का सपना पूरा करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। इसीलिए आप लोग यहाँ पे जितने बैठे हो सिर्फ अपने लीडरशिप के ऊपर फोकस करो, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के रखो, मैनेजमेंट का हाथ पकड़ के रखो, क्योंकि एक ही बात है, आपके साथ आपका अपलाइन है, अपलाइन के साथ अपलाइन का हाथ बांधा हुआ है, उसके साथ किसी ना किसी अपलाइन का है, उसके साथ मैनेजमेंट का हाथ जुड़ा हुआ है, और मैनेजमेंट का हाथ ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो ईश्वर ने रचा है और प्रवीण सर के थ्रू हम लोगों को दिया है माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा एक बात बोलता हूँ, ये छोटा धंधा नहीं है। मैं अगर 5,000 रुपया का प्रोडक्ट खरीद के, आप लोग जानते हो एज ए यूटीसी लीडर मैंने कंपनी को कितना करोड़ का धंधा दिया, कम से कम 1200 करोड़ का। ऐसा कोई भी धंधा इस इंडस्ट्री में है, इस दुनिया में है तो मुझे बताओ आप, जहां पे बैठ के 5,000 देने वाला व्यक्ति जो अपना सपना पूरा करता है, मैंने अब कंपनी को 1200 करोड़ का बिजनेस देता, आज के डेट में 1200 करोड़ बिजनेस करता है, जो कम से कम उसको 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ता है, 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आज के डेट में आपको नो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं चाहिए ना, आपको कुछ भी देना नहीं है। बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, रिकमेंड द प्रोडक्ट, यही हमारा काम है। और लोगों को जाके घर में घर घर के जाके बोलना है कि भाई तेरा सपना पूरा करना है तो माई लाइफ स्टाइल, तेरा सपना पूरा करना है तो माई लाइफ स्टाइल है, तेरा सपना पूरा करना है तो माई लाइफ स्टाइल है, तेरा सपना मेरा नहीं। लोग सो चुके हैं, लोग सो चुके हैं, उनको जगाओ जाके। पाँव में चक्कर मुंह में शक्कर, हमारे राजेश सर बोलते रहते हमेशा कि पाँव में चक्कर लगाओ मुंह में शक्कर लगाओ, घूमते रहो चक्कर लगाते रहो, 3 साल टिके रहो। कंपनी बोलता है, मैं बोलता हूँ 1 साल अपना काम के ऊपर फोकस करो। यहाँ पे फ्रंट लाइन जितने भी लीडर बैठे हुए, सुरंजन सर, अमित सर, तरुण प्रधान सर और सारे लीडर जो लोग यहाँ पे आए हैं, ये लोग सक्सेस का मतलब दूसरा कुछ समझाता, इसीलिए वो लोग फ्रंट पे बैठे हुए। आप जिस दिन समझ जाओगे कि सक्सेस का मतलब क्या है, उस दिन माई लाइफस्टाइल आपको करोड़ देने वाला है, करोड़ देने वाला है। ठंडा हो जाना नहीं है, ठंडा नहीं है आज, कुछ भी नहीं है आज, कुछ भी ठंडा नहीं है। मैं अभी सर से बात कर रहा था, दीपक सर से, बजाज सर से बात कर रहा था, बोला कि दिल्ली में तो अभी बहुत ठंडा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिल्ली में भी बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो आप जैसे यहाँ से 1,000 लोग भी जाने वाले हो सर,
इसीलिए हमेशा याद करके रखो, ये जो बिजनेस है ये आपका सपना पूरा करने वाला है। तो आप लोग रेडी हो? यस। आज का दिन याद करके रखना, और घर में जाके जो बोर्डिंग पास मिला है, यहाँ पे फ्लाइट में टेक ऑफ करने के लिए बोर्डिंग लगता है ना, तो आप लोगों के पास एक बोर्डिंग है, तो वो बोर्डिंग का फोटो उठा के घर में एकदम फोटो बना के रखना कि ये मैंने फ्लाइट में टेक ऑफ किया है, अभी मेरा सफर दिल्ली तक जाएगा, लंदन तक जाएगा, अमेरिका तक जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, मेरा सपना पूरा करके ही मैं दम लूंगा। तो सबका सपना पूरा हो, इस मैनेजमेंट को मैं फिर से मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल माई डियर फ्रेंड्स, जय माई लाइफ स्टाइल, जय माई लाइफ स्टाइल। एक बार दिल से बोलिए, जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।